या महंगाई बेरोजगारी से उसका बुरा हाल है? देखिए संदीप, देश आशावान हुआ है, देश प्रगति की ओर अग्रसर हुआ है, देश के लोगों में खुशी है, उमंग है, उत्साह है। मैं ये नहीं कहूंगा कि 9 साल में हम पूरे विकसित हो गए और देश बिल्कुल खुशहाल हो गया और देश में अब कोई समस्या बची नहीं है और अब हम कुछ और चीज सोच सकते हैं, लेकिन जितने वादे किए थे, अगर हम गरीबी के इंडेक्स पे देखें जो आप बार बार कह रहे थे, तो ये हम नहीं कहते हैं, वर्ल्ड बैंक और IMF की रिपोर्ट कहती है कि भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने की आबादी अब 10% से नीचे हो गई। पता नहीं कैसे हो गया। अजय आलोक, आपने पूरी तरह से रिपोर्ट शायद पढ़ी नहीं है, वो अति गरीबी की बात कर रहे हैं जिसमें मैं अति गरीबी की बात कर रहा हूँ। भारत गरीबी और भारत अति गरीबी में फर्क होता है। एक मिनट संदीप, एक मिनट, इतनी ज्यादा उतावले आप हो जाते हैं ना कि आप दूसरों की बात नहीं। करेक्ट कर रहा था फिगर्स, उतावले वही कह रहा हूँ, आप उतावले बहुत हो जाते हैं। हमारी सरकार की खामियां गिनवाने में आप बहुत उतावले होते हैं। अति गरीबी को ही भारत के रूप में जाना जाता था। भारत मतलब अति गरीबी, भारत मतलब अति पिछड़ा, भारत मतलब बिल्कुल कोई व्यवस्था नहीं, भारत मतलब सब कुछ चौपट। ये एक इमेज थी भारत की। आप मानेंगे या नहीं मानेंगे, आपके दर्शक जरूर मानेंगे कि ये इमेज को कंप्लीट मेकओवर हो गया। अब भारत मतलब अग्रसर, अब भारत मतलब डायनेमिज्म, अब भारत मतलब आगे बढ़ने वाला देश, अब भारत मतलब जिससे हर कोई मित्रता चाहता है, अब भारत मतलब जिसकी धाक है, अब भारत मतलब जिसकी लोग बात सुनते हैं, अब भारत मतलब एक इकोनॉमिकली प्रोग्रेसिव राष्ट्र, अब भारत मतलब एक इकोनॉमिक हुनक, अब भारत मतलब जो एक बार बोल दे तो उसको पूरा विश्व सुनता है। ये फर्क आया है। अब भारत मतलब कि जिसकी मिट्टी पे कोई आक्रमण नहीं कर सकता है, वापस उसको जवाब मिलेगा इसराइल की तरह। भारत की एक छवि बदली है, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और एक भारतीय होने के नाते आप भी और हम भी और इस पैनल में बैठे हुए सब लोग, हम लोग गर्व कर सकते हैं कि हम लोग भारतीय हैं। मुझे हमेशा से गर्व रहा कि मैं भारतीय हूं, मैं कभी शर्मिंदा नहीं हुआ भारत में पैदा होने के चलते, और मैं 2014 से पहले पैदा हुआ हूं, मुझे कभी शर्मिंदगी नहीं हुई। आपने उतावला मुझे बताया, देखिए मुझे लगता है ये सवाल अजय आलोक आपको सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले से जरूर पूछना चाहिए। क्या उन्होंने उतावलेपन में ही ये बात कही, एक बार नहीं कई सार्वजनिक मंचों से, कि 23 करोड़ लोग इस देश में 375 रुपए प्रतिदिन भी नहीं कमा पाते और 21 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, और ये आंकड़े की तस्दीक NSSO भी करता है। बिल्कुल करता है, और हम इससे इतर भी नहीं होते हैं, क्योंकि अगर सरकार अगर हम चला रहे हैं, सरकार में अगर थोड़ी सी भी जिम्मेदारी है, तो हमें पता रहना चाहिए कि हमें और कितना काम करना है। जब हम सत्ता में आए थे 2014 में संदीप जी, तो याद कीजिए कि कितने लोग गरीबी रेखा के नीचे थे और कितने लोग की मंथली इनकम कम थी। अभी जब बजट हमारा पेश हुआ तो हमारी पर कैपिटा इनकम 1,98,000 हो गई। इसको हम अचीवमेंट नहीं मानेंगे। सत्ता इसलिए नहीं होती है कि सत्ता का उपयोग हम अपने या अपने परिवार के लिए करें, सत्ता इसलिए होती है कि उसका उपयोग हम जनहित और जनता के हित में कितना कर सकते हैं। ये सरकार की नीतियों में साफ पारदर्शिता है, ये झलकता भी है। मैं आज ये नहीं कह रहा हूं, मैंने ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा कि कभी भी हमारा ये नहीं है कि भारत पूर्ण विकसित हो गया, अब हमारे पास कोई समस्या नहीं है, हम बिल्कुल खुशहाल हैं। नहीं, अभी भी चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं। उन चुनौतियों के मद्देनजर आपकी नियत क्या है और आपकी नीति क्या है, ये झलकना चाहिए। नहीं, आपने ये बिल्कुल मार्के की बात कही अजय, कि चुनौतियां हैं और हम प्रगति भी कर रहे हैं। आपने 1,90,000 प्रति व्यक्ति आय हो गई, बिल्कुल दुरुस्त आंकड़ा दिया है। अब इसमें भी थोड़ा सा डिटेलिंग में चलते हैं, और डिटेलिंग का आधार है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो केंद्र सरकार ही जारी करता है करती है। इसमें 1% लोगों के पास कुल देश की 65% संपत्ति है। 1% लोग कुल कमाई जो इस देश में होती है उसका 22% ले जाते हैं। टॉप 10 के हिस्से देश की 57% कमाई आती है। जो नीचे बॉटम 50 हैं उनके पल्ले हाथ देश की कुल 13% कमाई ही आती है। 50% जनसंख्या इस देश में 5,000 रुपए महीना भी नहीं कमा पाती, 4,500 रुपए महीना कमाती है। देश में खरबपतियों की तादाद 102 से बढ़कर 166 हो जाती है 2 सालों में,
तो ये आर्थिक विषमता, गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर, क्या ये एक चिंता का सबब है? देखिए संदीप जी, 2014 के पहले का भी आंकड़ा उठा के देखिए, ये जो खरबपतियों की लिस्ट आप 100 से 166 बता रहे हैं, उस वक्त भी खरबपतियों की लिस्ट 100 के नीचे ही थी, और उस वक्त भी देश की कमाई का 80% हिस्सा इन्हीं खरबपतियों के चलता था। खरबपतियों से नफरत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही खरबपति देश में उस वक्त भी 14 के पहले भी, आजादी के बाद भी और आज भी सबसे ज्यादा रोजगार पैदा कर रहे हैं, सबसे ज्यादा व्यवसाय कर रहे हैं, और इनके कारण देश को लाभ हो रहा है। क्रोनी कैपिटलिज्म में नहीं फंसना चाहिए, लेकिन कैपिटलिस्टों को आप छोड़ भी नहीं सकते हैं अगर आपको इकोनॉमिक विषमता नहीं बढ़ानी है तो। इसलिए ये कम्युनिस्टों की भाषा हम ना बोलें तो हमारे, मुझे लगता है कि ये देश के लिए ज्यादा प्रगतिशील होगा। आज हम इस कोशिश में हैं कि हमारे देश की जो ये आर्थिक विषमता है, और एक आम आदमी व्यक्ति जिसकी इनकम 5200 है, उसको हम कैसे आगे बढ़ाएं। सरकार का काम सबको साथ लेके चलना होता है, किसी में भेदभाव करना नहीं होता है, और ये सरकार अपनी आर्थिक नीतियों के कारण आज जो देश में जिस तरह से प्रगति का एक वातावरण बना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होने के कारण एक हर तरह से, चाहे हमारी इकोनॉमी का डिजिटलाइजेशन होना पूरे विश्व में एक रिकॉर्ड बन गया, हमारी इनफॉर्मल इकोनॉमी जो आज के डेट तारीख में फॉर्मल की तरफ बढ़ते जा रही है, इन सब लॉन्ग टर्म सोच का ये नतीजा है कि आज हम पांचवी अर्थव्यवस्था बन पाए हैं, और हम अग्रसर हैं कि अगले 6 महीने के अंदर हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। आपको क्या लगता है ये ऐसे ही हो गया, एक दिन में हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें सरकार काम कर रही है, प्रगति हो रही है, प्रगति पर पेट्रोल डीजल के दामों में भी हो रही है। अजय आलोक, बिल्कुल, पेट्रोल डीजल के दामों में 35 रुपए तक के सपने दिखाए थे, $118-$120 प्रति बैरल कच्चे तेल की कीमतें थी, ₹72 में पेट्रोल मिलता था, और आज की तारीख में $60 में हम पेट्रोल खरीद रहे हैं, और ₹96.72 पर दिल्लीवासी उसे खरीद रहा है, एक नए पैसे की कमी नहीं। $120 से गिरते हुए पिछले 9-10 महीनों में कच्चे तेल की कीमतें $60 पर आ गई हैं। आप तो कहते थे बहुत ही पेट्रोल डीजल की मार। बिल्कुल आपने सही कहा, पेट्रोल डीजल की कीमतें आज हम रशिया से खरीद रहे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय दाम से भी कम है, और इसके कारण इस पूरे विश्व की जो आर्थिक व्यवस्था है जो मंदी की तरफ बढ़ गई है, आज हम मंदी की तरफ नहीं है, भारत मंदी में नहीं है। ये सब तमाम वर्ल्ड बैंक से लेके IMF की तमाम रिपोर्ट कहती है कि हम मंदी के असर में नहीं भागेंगे, और हमारी इकोनॉमी GDP 6.2% के रेट से ग्रोथ करती रहेगी। और IMF और वर्ल्ड बैंक ने यह भी कहा कि आने वाले वर्ल्ड विंड्स को अगर कोई चैलेंज कर सकता है तो वो भारत ही कर सकता है। जहां तक रही पेट्रोल की मार, हमने तो ऑफर दिया है भाई, ले आइए GST में, 8 राज्य हैं। कौन लेकर आएगा? एक मिनट, GST काउंसिल में बहुत किसका है? BJP का है ना? सुनिए तो सही, सुनिए ना, हाँ सुन रहा हूँ, सुनिए, 8 राज्य जो हैं वो गैर कांग्रेस शासित है, 4 राज्य जो हैं वो कांग्रेस शासित है, जरा इनमें जरा VAT और GST के रेट जरा लगा देख लीजिए, और उसके बाद भाजपा के राज्यों से कंपेयर कर लीजिए, क्यों नहीं कोई लाता है? अच्छा, इसीलिए 1100 से ऊपर जा रहा है गैस का सिलेंडर, अभी तो आप 7 समंदर पार बैठे हैं, वो पटना में कितना है? 1150 से ऊपर है गैस का सिलेंडर कि नहीं? संदीप जी सुनिए ना, हम कहते हैं, मैं आपके मन से कहता हूँ कि चलिए भाजपा लाती है इसको GST में, पेट्रोल डीजल को लाने का प्रस्ताव, आप मुझे विपक्ष की तरफ से गारंटी करवा दीजिए कि सारे विपक्षी दल एक सुर में इसका समर्थन करें। आगे अब रेट नीचे, कोई राज्य अपना छोड़ना नहीं चाहता है, दिक्कत यह है, और हर चीज केंद्र के सर पर ठीकरा फोड़ देंगे तो ऐसे तो नहीं चलेगा ना, ऐसे तो नहीं चल सकता है। तो इसीलिए ये तमाम बातें हैं, इकोनॉमिक विषमता और आर्थिक विषमता और आर्थिक नीति, ये एक दिन का पेच नहीं है, इसमें समय लगता है, और समय के साथ अच्छा, 9 साल में नहीं कर पाए, 26 लाख करोड़ से ऊपर एक्साइज में पेट्रोल पर एक्साइज लगाकर आपने कमा लिए कि नहीं? कमा लिए तो क्या घर ले गए? अगर कमा लिए तो ये बताया नहीं था 2014 से पहले, तब तो कहा था कि दाम हम आधे कर देंगे। अरे एक मिनट सुनिए सुनिए, बहुत अच्छी बात आपने कही, 26 लाख करोड़ कमाए तो मोदी जी ने अपने घर ले गए क्या? हमेशा अपने घर ले गए, यहाँ पे तो घर ले जाने की परंपरा थी ना, ये परंपरा से टूट गई तो देश इससे तो खुश है कि वो 26 लाख करोड़ में आज एक्सप्रेस वे, हाईवे और रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर, एक एक घर में बिजली, एक मतलब महंगाई की मार हम झेलते रहेंगे, वो महंगाई की जो बात कर रहे थे ये नहीं बताया ना कि घरों को 4.5 करोड़ से ज्यादा घर दे दिया। अगर 26 लाख करोड़ कमा के जनता को 35 लाख करोड़ वापस दे रहे हैं
उसमें दिक्कत है। किसान सम्मान निधि में अभी तक अगर 12 लाख करोड़ दे चुके हैं तो उसमें दिक्कत है। न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता नहीं है, 27 रुपए है, उसमें दिक्कत है। 27 रुपए प्रतिदिन किसानी से कमा रहा है किसान, 27 रुपए आय दोगुनी होनी थी। एक मिनट, गलत आंकड़े नहीं देना चाहिए, कभी नहीं देता। तो जब हमने कहा कि प्रति व्यक्ति आय वार्षिक तौर पे 1,98,000 हो गई तो किसान भी प्रति व्यक्ति में ही आता है। अच्छा, किसान को एनएसएसओ का आंकड़ा है, मेरा आंकड़ा नहीं, सरकार को बताइए एनएसएसओ गलत आंकड़ा क्यों देता है। 27 रुपए प्रतिदिन किसानी से किसान कमाता है। ऐसा देखिए, रुदालियों जैसे कांग्रेस को मैंने नाम दिया है रुदाली, रुदालियों की चिंता करके आप अब इस देश को नहीं चला सकते। रुदालियों की चिंता छोड़ दीजिए, हम देश चला रहे हैं। अच्छा, आप रुदाली नहीं करते थे 2014-13 में? भाई ऐसा है कि हम रुदाली करते थे तो उसके पीछे रीजंस थे, वैलिड रीजन थे, इसलिए जनता ने हमें मौका दिया। आज हमने परफॉर्म करके दिखाया है। आज हम ये नहीं कहते हैं कि हमें मौका दो हम ये करेंगे, आज हम ये कहते हैं कि हम ये कर रहे हैं, हम आगे भी ऐसा ही करेंगे और आगे करेंगे, इसलिए हमें मौका दो। हम रुदाली नहीं है, हम रोते नहीं, रुदाली नहीं है,